सत्य के बारे में अब तक सुना है, सत्य के बारे में अब तक सुना है, आया समय सत्य सुनने का खोजी, आया समय सत्य सुनने का खोजी। विचार नियम के सात सूत्र, द सेवन लॉज ऑफ थॉट। इस जागृति संदेश में जीवन में चीजें हमारे विचारों के आधार पर कैसे प्रकट होती हैं और क्या हर विचार हकीकत में बदलता है, इस रहस्य को दूसरे विचार सूत्र में समझेंगे। विचार सूत्र दो के अनुसार जो विचार आप होश और जोश के साथ एक दिशा में करते हैं वे हकीकत में बदलते हैं। जिन विचारों में होश जोश और एक दिशा है वे हकीकत में बदलते हैं। इस रचनात्मक सिद्धांत को और गहराई से जाने, इसमें हैप्पी हैट शब्द आएगा जिसका अर्थ है हैप्पी फीलिंग। दूसरे विचार सूत्र के अनुसार जैसे बताया जोश होश एक दिशा में, जोश में खुशी की फीलिंग है, होश में ज्ञान है, तो आप देखोगे ये चीजें बड़े आसानी से आएंगी। होश है यानी यकीन है, आपको यकीन है और आपकी फीलिंग बताती है खुशी हैप्पी। जीवन में दुख भी आया है उस वक्त भी अगर आप अपनी हैप्पी फीलिंग को रख पाए तो आप देखोगे समाधान आपकी तरफ जल्दी आएगा। होता क्या है, कुछ बुरा हुआ तुरंत हमारी फीलिंग बदल जाती है, बुरी फीलिंग को हम बार बार दोहराते मन में, मगर उस वक्त अगर आप खुद को याद रखें कि अपनी हैप्पी हैट उतरने मत दो। हैप्पी हैट उसको एक उदाहरण के द्वारा बताया जाता है कि आप टेंट में बैठे हो, टेंट होता है तंबू, टेंट में बैठे हो और तूफान लगता है, टेंट की छत उड़ जाती है, तो कैसी फीलिंग आएगी, दुख आएगा, अरे मेरे जीवन में ऐसा हुआ मेरे टेंट की छत उड़ गई। मगर आपको कहा जाता है जब ऐसे छत उड़ जाए तो हैप्पी हैट को उड़ने मत दो, उसको तुरंत पकड़ लो, सिर को तुरंत पकड़ लो, यानी सिर पर रखी हुई हैप्पी हैट को उतरने मत दो। चलो छत तो उड़ गई उसको हम रोक नहीं पाए, मगर हैप्पी हैट को रोक सकते हैं क्या, उसको रोक दिया तो आप देखोगे कि छत की जगह पर आगे कंक्रीट की छत आ जाएगी, आपकी जो नई संभावना है वो खुल जाएगी। हैप्पी हेड को तुरंत पकड़ना है, इसको उतरने नहीं देना है, नहीं तो मन में विचार आएगा अरे मैंने तो टेंट का रेंट दिया था वो रेंट मेरा बेकार गया। लोग ऐसी कुछ सोचना शुरू करते हैं, फीलिंग और नेगेटिव 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 होने लगती है। हैप्पी हेड अपनी हैप्पीनेस को कम नहीं करेंगे तो हैप्पी फीलिंग लाने के लिए आप रिकॉल करोगे, तो ये करना मन को लॉजिकल नहीं लगता उस वक्त कि मेरे साथ बुरी घटना हो रही है और मैं कैसे खुश रहूं, मगर दुख में खुश कैसे और क्यों रहे ये रहस्य समझना है। तो कुदरत आपको कुछ दे रही है परोसकर, आप सीख रहे हैं एक एक विचार सूत्र, आप सीख रहे हैं एक एक सबक, ये सब बातें आपको अंदर तक सीख लेनी है, जिसके लिए आपको एक एक विचार सूत्र का अर्थ बताया जा रहा है। हैप्पी हेड को उतरने मत दो, विचार सूत्र दो के अनुसार जोश और होश एक दिशा में, तो हकीकत का रूप मिलना बहुत आसान होता है। मनन करें, आनंदी भावना की समझ को मद्देनजर रखते हुए हम अपने जीवन क्षेत्र में देखें कि कौन सी घटनाओं में हम हैप्पी हैट उतारते हैं। मनन करें कि आज हमारा होश या यकीन कितना बढ़ा है और हैप्पी हैट हमेशा हमारे साथ रहे, इसके लिए हम क्या करें। आगे हमें डबल टॉस यानी परस्पर विरुद्ध प्रार्थनाएं इसके बारे में मार्गदर्शन मिलेगा
जिसमें रिपीट ऑर्डर का अर्थ प्रार्थना की पुनरावृत्ति करना है। दिन भर में कई विचार चलते रहते हैं। शक चिल्ली के विचार हकीकत में नहीं बदलते, वेकफुली विचार हकीकत में बदलते हैं। वेकफुली यानी होश में किए गए विचार। शक चिल्ली की तरह पर्सन विचार करता रहता है, ये चाहिए ऐसा सोचते रहता है, फिर कभी ऐसा कभी कैसा है। अपने ही विचारों के विरुद्ध वो सोचते रहता है, जिसको डबल टॉस कहा गया, कभी ऐसा सोचता है कभी ऐसा सोचता है, तो रिजल्ट कोई नहीं आती। जिनके जीवन में रिजल्ट नहीं आ रही है उनको इस पर मनन करना है कि मेरे विचार कहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। एक पर्सन सोच रहा है घर में शांति हो, तो कितना सुंदर विचार है, विचार की रिजल्ट भी आएगी, मगर दूसरे दिन उसके अंदर क्या विचार है कि ये मेरा भाई, ये मेरी बीवी, ये मेरी सास, ये तो कभी सुधरने वाले नहीं है। अभी उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने अपने ही विचार को काट डाला। तो कई चीजें आपके जीवन में नहीं हो रही, आप विचार रखते हैं उसके बावजूद भी, तो अपने आप से पूछना है कहां पर मैं अपने ही विचारों को काटता हूं। अगर वो पर्सन नहीं सुधर रहा है और आपने उसका रिपीट ऑर्डर दे दिया है तो घर में शांति कैसे आएगी? आप ये भी चाहते हो, ये भी चाहते हो। देखो, कुदरत ये नहीं कहती है कि पर्सन ने कहा ये पर्सन सुधरने वाला नहीं है, कुदरत कहती तथास्तु, यानी अपने कहे मुताबिक देखोगे। मुझे घर में शांति चाहिए, तथास्तु, मगर एक पल ये एक पल ये, तो दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। फिर वो पर्सन क्या देखता है? दुख दर्द, कभी खुशी कभी गम, घर में चलते रहता है। कभी खुशी कभी ज्यादा खुशी, ऐसा भी माहौल आ सकता था, मगर उसने अपने ही विचारों में गलत बीज डाल दिया और उस गलत बीज ने फल लाया। तो आपको ये ख्याल रखना है। तो जो आप चाहते हो सब मिल सकता है, नियम का अगर सही पालन किया गया। इस संदेश द्वारा हमने समझा कि विचार सूत्र 2 के अनुसार जब भी यकीन है और फीलिंग खुशी की है तो समाधान जल्दी आता है। किसी भी परिस्थिति में हमें हैप्पी हैट नहीं उतारनी है, क्योंकि हैप्पी हैट आपकी नई संभावनाएं खोलती है। हैप्पी फीलिंग लाने के लिए हमें जो ज्ञान मिला है उसे याद करना है। आइए कुछ क्षण विचार मंथन करें कि जो चीजें हमारे जीवन में नहीं हो रही हैं, वहां पर हमारे कौन कौन से विचार एक दूसरे को काटते हैं। क्या आपको ये सवाल आता है कि दुनिया में ईश्वर है या नहीं है, और अगर है तो दिखता क्यों नहीं? संदेश के अगले भाग में जागृति सवाल द्वारा हम इस विषय पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन पाने वाले हैं। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। यह आश्रम पुणे शहर के बाह्य क्षेत्र में पहाड़ और निसर्ग के असीम सौंदर्य के बीच बसा है। इस आश्रम में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कुल मिलाकर 800 से 1000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। यह आश्रम पुणे शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डा, हाईवे और रेलवे से पुणे में आप आसानी से आ सकते हैं। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। इस यात्रा में खोजी कुछ नियमों और वचनों का पालन करते हुए हर दिन अंतिम सत्य की तरफ बढ़ते जाता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सरश्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जानें। सरश्री को
कोटि-कोटि प्रणाम। सिर्फ मैं एक शब्द सुन के मेरा मन हुआ महाआसमानी शिविर करने का, तेज संसारी। क्योंकि कहीं पे एक लग रहा था कुछ तो एक चीज़ होना चाहिए कि संसार में भी रह सके और अपना पीस ऑफ माइंड भी, साथ में जो शांति है वो भी रह सके। ऐसा तो हो नहीं सकता, इतना बड़ा संसार है और उसमें कुछ ना मिले, मतलब पूरा संसार ही काटने को दौड़े, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ तो बात होगी, कुछ तो कहीं एक चीज़ है जो छूट रही है, जो सीखनी बाकी है अभी। तो जैसे जैसे यहाँ पे श्रवण शुरू हुआ, समझ बढ़ते गई और धीरे धीरे मेरी दृढ़ता बढ़ते ही जा रही है। सरश्री के द्वारा जो अभिव्यक्ति हुई है, मतलब एक इंसान द्वारा इतना सारा, इतना बड़ा फाउंडेशन क्रिएट करना, तो ये इस बात का सबूत है कि मतलब कुदरत पूरी तरीके से उनको सपोर्ट कर रही है और उन्होंने जो गुण बताए हैं वो उनके थ्रू अभिव्यक्ति हो रही है उन गुणों की। और ये देख के बहुत बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है किसी को। मैं पहले भी बाकी मेडिटेशन वगैरह करता था तो मुझे तो लगता था कि जो मोक्ष है मतलब इम्पॉसिबल है, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, तो चलो काम शुरू करते हैं, पता नहीं किस जन्म में कब होगा, लेकिन चलो शुरू तो करते हैं। और इतनी सहज चीज़, इतनी वो चीज़ इतनी सहज और वो इतनी सहजता से पाई भी जा सकती है, ये मैंने यहीं पे आके जाना है। मतलब मैं बहुत थोड़ा सोच के थोड़ा पाने आया था और बहुत कुछ, पूरा एक वो राजमार्ग ही आगे दिखाई दे रहा है, श्रवण से लेके आखिरी पड़ाव तक। बहुत बहुत धन्यवाद सरश्री। जागृति सवाल, दुनिया में ईश्वर हैं या नहीं है? अगर हैं तो हमें दिखता क्यों नहीं और उस पर विश्वास क्यों नहीं होता? क्या इस दुनिया में ईश्वर है? जैसे कोई सवाल पूछे, सवाल होता ना, ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? लोगों के ऐसा सवाल होता, ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? तो क्या बताया जाएगा? दिखता नहीं इसका अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं है। दिखता नहीं है इसका अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई बुरके में जा रहा है, एग्जाम्पल जैसे बताया, तो कोई कहे आपको, देखो खाली बुरका जा रहा है, खाली बुरका जा रहा है, तो बोलेंगे खाली बुरका कैसे, कोई रहेगा ना अंदर? अरे मुझे तो नहीं दिख रहा, कोई अंदर है मुझे तो नहीं दिख रहा है। बोले नहीं दिखता इसका अर्थ क्या है? अंदर दिख रहा नहीं मर है। खाली बुरका चलता है क्या कभी? बिना ईश्वर के शरीर चलता है क्या? शरीर तो बुरका है ना, उसको देखते हुए समझ जाते अंदर है, इसलिए चल रहा है, हंस रहा है, ताली बजा रहा है। क्या इस दुनिया में ईश्वर है? यदि ईश्वर या परमात्मा है तो मुझे विश्वास क्यों नहीं होता? पहला सवाल क्या था? क्या ईश्वर है? क्योंकि दिख रहा नहीं है तो सवाल ये उठता है। दूध में मक्खन है तो आप कहते हैं, दिख रहा नहीं है तो आप कहते प्रोसेस है। मक्खन चाहिए तो प्रोसेस है उसका, मक्खन निकलता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। ईश्वर ऐसे नहीं दिखता है। तो फिर इनका आगे का सवाल है, यदि ईश्वर या परमात्मा है तो मुझे विश्वास क्यों नहीं होता? ये इम्पोर्टेंट सवाल हर एक के मन में आता है कि मुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा, मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? मन की भाषा लगने की कैसी है? कि मुझे ऐसा ऐसा कुछ लगे तो मैं मानूंगा ईश्वर है, ऐसे आसमान से फूल गिरे आके तो मुझे लगेगा कि ईश्वर है। तराजू जो है वो फॉल्टी है, उस पर डाउट नहीं आता। जिस तरीके से वो लगवाना चाहता है वो तरीका ही गलत है, ये इसको पता नहीं है कि कर क्या रहा। जिस तरीके से तुम देखना चाहते हो वो तरीका ही गलत है, उस तरीके से आप ईश्वर देख नहीं सकते। जैसे आपने हाथ पर लिखा शब्द गॉड, GOD, और हम चश्मा उतार के उसके सामने रखे, अरे दिख रहा ही नहीं है, दिख रहा ही नहीं है।
चश्मा उतार के उसके सामने पकड़ के रखा है चश्मा, अरे मुझे क्यों नहीं दिख रहा, मुझे क्यों नहीं लग रहा, तो आप कहेंगे अरे ये चश्मा पहनो, हाथ ऐसा करो। ज्ञान की आंखें खोलो, अंदर की तरफ टर्न करो। टर्न इनसाइड, अंदर की तरफ टर्न करोगे अब देखने का तरीका ही गलत होगा। कोई सुनार हो, अंधा हो और जाके फूलों की सुंदरता देखने जाए, कैसे देखेगा? वो अपना पत्थर लेकर जाएगा, हरे फूल को घिसकर देखेगा, सुंदर लगता ही नहीं। आप कहोगे पत्थर फेंको पहले। पूरी सत्यानाश करती है बगीचे की। सुंदरता को ढूंढ रहे हो, क्या कर दिया? इस तरीके से नहीं लगता। तो सवाल था इनका, यदि ईश्वर या परमात्मा है तो मुझे विश्वास क्यों नहीं होता, होगा भी नहीं कभी ऐसे देखोगे तो। तो सही तरीका ही जानना है ना, टर्न अंदर की तरफ जाए, मूल गलती यही होती है। हम अपने चश्मे से देखना चाहते हैं, ऐसा ही दिखे। इस महत्वपूर्ण मार्गदर्शन द्वारा हमने समझा कि इंसान ने ईश्वर के बारे में जो कल्पना की है वही उसे ईश्वर को जानने में बाधा बनती है। वो अपनी कल्पना के आधार पर ईश्वर को देखना चाहता है, फलस्वरूप वो ईश्वर को समझ नहीं पाता। साथ ही हमने समझा कि संपूर्ण ज्ञान, सही समझ एवं सही दृष्टिकोण द्वारा हम ईश्वर को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। विचार नियम, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स। इस विषय पर दी गई पुस्तक अवश्य पढ़ें। ये पुस्तक विश्व के हर नागरिक को विचार नियम, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स, ये शिक्षा प्रदान करती है। इसका लाभ उठाकर आप दूसरों को ये पुस्तक उपहार स्वरूप दे सकते हैं।